हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक राम सेतु का पत्थर। यह है राम सेतु का पत्थर। आप देख सकते हैं ये रामेश्वरम जो एक मंदिर है उसी के आकार का ये पत्थर है। उसका आप शेप देख पा रहे हैं, शेप आप देख पा रहे हैं। ये पत्थर अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, पत्थर डूबते नहीं है। ये जो भारत से श्रीलंका जोड़ने तक भगवान श्री राम यूज किए थे एक पाथ का, है ना, एक रास्ते का उपयोग किए थे, जहाँ पे पत्थर नल और नील द्वारा लगाए गए थे वो पानी में डूब जाते थे। आज हम इसको दिखाएंगे ये पानी में कैसे डूब रहा है। देखिए आप लोग देखेंगे, ये जैसे इसको हम इसको डुबोते हैं इस पर, ये डूबता नहीं है, तैरने लगता है। आप लोगों ने सुना भी होगा रामेश्वरम के पत्थर तैरते हैं, आज वही चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये आप देखेंगे, मैं इसको छोड़ रहा हूँ और ये पानी है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने छोड़ दिया है, ये आराम से तैर रहा है, इसको मैं बार बार डुबो भी रहा हूँ, ये आराम से तैर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पानी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ये राम सेतु का पत्थर है। बोलिए भगवान श्री राम की जय, जय श्री राम। कमेंट पे आप लोग जरूर लिखिएगा। और राम सेतु पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको मैं आप लोगों को थोड़ा पास करके दिखाऊंगा। इसमें जो काफ़ी सारे गड्ढे हैं, बहुत ही अच्छा पत्थर दिखता है। हो सकता है कैमरे पर आपको उतना ज़्यादा, जो आँखों से देखा जाता है और जो कैमरे से देखा जाता है आप लोगों को उतना अच्छे समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पत्थर है और डूबता है, बहुत ही हल्का है, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने रामेश्वरम से लाया है। सो थैंक यू, आपने देखा इसका प्रैक्टिकल। Thank you.